देखिए 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में एक मेगा रोड शो करने वाले हैं, उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी के इसी सड़कों से होते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचे हैं, जहां वो गंगा आरती देख रहे हैं। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी साथ में मौजूद हैं। लेकिन बनारस की जनता उस मेगा रोड शो हो, नामांकन हो या इस लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर क्या सोचती है, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो दावा किया जा रहा है उन दावों में कितनी सच्चाई है। भौजी नमस्कार, कैसे हैं? हमको कुछ भी नहीं जानकारी है, विकास भाग गए हैं का देश से, विकास इस देश में नहीं रहते हैं। विकास के बारे में चर्चा करिए तो मैं कुछ बोलूं। बिल्कुल चर्चा करिए, हम विकास के ही बारे में आए हैं। दावा तो किया गया कि 10 सालों में बहुत विकास हो गया बनारस। चलिए यहाँ दिखा दें, पियरिया पोखरी तेलियाबा एक मोहल्ला है जिधर हम रहते हैं, घरों में लैट्रिन जा रहा है ओवरफ्लो करके सीवर, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ के जनप्रतिनिधि जी चुनाव जीतने के बाद कभी झांकने नहीं गए कि हमारे क्षेत्र के वासी कैसे रहते हैं। यही बनारस का विकास हुआ है। विकास मंदिर बन जाने से, रोड बन जाने से जनता की आम सुविधाओं का भला नहीं होगा, जनता की आम सुविधाएं भी जरूरी है, तब विकास होगा। अंदर जाइएगा वहाँ की दीवार आप देखेंगे, बाथरूम की तो पलाई की बनी हुई है, धड़धड़ा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अंदर नहीं जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उस बाथरूम में कभी अंदर नहीं गए हैं। अंदर जाके देखें कि क्या हालत है, अंदर जाकर देखें। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, बनारस बदला है कि नहीं 10 सालों में? बनारस तो बदला है, काफी बदला हुआ है। और जब से प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद बने हैं और पहले की सरकारों के अपेक्षा बहुत बदला है बनारस, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो और भी चीज़ें हो। जैसे अब यहाँ विकास के मामले में कंजारी का स्टेडियम देख लीजिए, चारों तरफ रोड देख लीजिए, रुद्राज कार्वेन से देख लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं कि बनारस में विकास हुआ है। देखिए एक एक इनकी बातों से जैसा लगता है कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, विधायक पार्षद की हम बात कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को, उनकी परियोजनाओं को सही रूप नहीं दे पाए? ये है कि सब सही बात कर रहे हैं आप, उनके कार्य योजना को और सब सही रूप नहीं दे पा रहे हैं। और न तो क्षेत्र में जाते आते हैं, न जनता के बीच में घूमते रहते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा क्या है, लोग परेशान है, ये बातें सही है। चाहे नाला हो, सीवर हो, पानी हो, प्रधानमंत्री तो आते नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको आना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं चाहते हैं, जनता परेशान है, ये तो बातें सही है। चलिए ये तो हालांकि और विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, रोड शो की चर्चा काफी है, उस रोड शो का क्या प्रभाव होगा? 2014 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। सवाल ये है कि क्या काशी वाले भी एक बार फिर आशीर्वाद देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? देखिए भाई लड़ाई तो है, मान लीजिए हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, कई बार जो विधायक रह चुके हैं जयराज जी, और हम लोग भी क्षेत्रीय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का रोड शो है इसलिए जनता भीड़ आएगी, काफ़ी भीड़ आएगी, हो सकता है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। चलिए नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो रोड शो होने वाला है उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि उसको लेकर भी काशी वाले या यूं कह ले कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैयारी कुछ अलग? पूरा पूर्वांचल जानता है कि जब मोदी जी आए हैं तो सारी सीटें जीत के गए, काशी ने उनका भरपूर स्वागत किया है, और इसलिए सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है और मोदी जी के ऊपर एक भी आरोप लगाया नहीं जा सकता है कि उनका, पहले की सरकारें कहती थी कि हम ऊपर से पैसा भेजते हैं और नीचे पहुंचता नहीं, या पहुंचता है तो बहुत नाम मात्र का, लेकिन मोदी जी का विकास इसलिए दिख रहा है कि वो पैसा भेजते हैं तो वो पूरा वहां जमीन पर दिखता है, इसलिए जनता उनके लिए तो पूरा। अच्छा, काशी के साथ साथ पूर्वांचल की सीटों पर भी प्रभाव दिखेगा जैसा कि पहले के चुनाव में रहा? पूरा प्रभाव दिखेगा। अमित शाह जी आ गए, चाणक्य हमारे आ गए, और जो गलतियां हैं, जो सर थोड़ा सा जैसे पार्टी में होता क्या है कि जब चुनाव आते हैं जो उनके मूल कार्यकर्ता हैं तो थोड़ा नाराज होते हैं कि 5 साल में और भी पार्टियों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जो मूल कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा जो लोग अवॉइड नहीं करते हैं उस वजह से थोड़ी नाराजगी मिल रही थी, लेकिन अब आ गए हैं हमारे गार्जियन। चलिए देखना होगा कि काशी की जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। 7वें चरण में यहाँ पर चुनाव है और इसको लेकर जो सियासी सरगर्मी है
वो बढ़ चुकी है। बात कर लें काशी के सियासी हलचल की, तो 13 मई को एक मेगा रोड शो के बाद नामांकन प्रक्रिया प्रधानमंत्री मोदी पूर्व करेंगे। इससे पहले बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सहित कुल 8 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दाखिल कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।